हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को इंस्टेंट इडली सांभर चटनी की रेसिपी। इस लॉकडाउन में जो भी खाने का मन करे तो वो तुरंत मिल जाए ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते हैं, जो बनाना है सो घर में ही। तो जल्दी से बनाकर खाने वाली कोई रेसिपी जो कि घर में सारे सामान अवेलेबल हो और तुरंत बन जाए, वैसी ही एक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। खुद खाइए, परिवार को खिलाइए, इंजॉय करिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सांभर के लिए दाल को भिगो दूँगी 15 मिनट के लिए। तो मैंने एक कप दाल लिया और उसमें उतना ही पानी डाला है जितने में वो भीग जाए। उसे छोड़ दूँगी मैं 15 मिनट के लिए, और तब तक हम लोग एक बादाम को रोस्ट करते हैं। हम लोग एक मूँगफली की चटनी बनाएंगे और उसे उतना ही रोस्ट करें जितना पे उस पर ब्राउन लेयर आ जाए, बस उतना रोस्ट करना है और उसे बंद कर देना है। तो देखिए इस पर ब्राउन लेयर आ चुकी है, तो बस हो चुका है ये। इसे थोड़ा मिलाएं और बंद कर दें। और मैं सांभर के लिए इमली भी घोड़ी हुई यहाँ पे, तो बोल में इमली रख के इसमें पानी डाल दें और छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। दाल मेरा हो चुका है, तो मैं सबसे पहले दाल चढ़ाऊँगी। इसमें मैंने एक कप दाल ले रही, इसमें मैंने दो कप पानी ले रही हूँ और थोड़ा नमक और हल्दी डाल के चढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। चार विजल आने तक मीडियम फ्लेम पर बस पकाए से और हो जाएगा ये। और तब तक हम लोग इडली के लिए सूजी को भिगो देते हैं। तो जितना सूजी लेंगे उतना ही दही लेना है आपको। तो मैं देखिए, मैं एक बोल सूजी और एक बोल दही ली हूँ, एकदम बराबर मेजरमेंट रखना है। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दें और इसे भिगो दें और बस इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें, तभी आपकी इडली फुली फुली और अच्छी स्पंजी होगी। बराबर मेजरमेंट रखे बिल्कुल भी। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर दे बस दही सूजी और नमक को, और इसे ढककर छोड़ दे 15 मिनट के लिए। तब तक मैं सांभर के लिए सब्जियां कट कर लूँगी उतनी देर में जितने देर में इडली को मैंने भिगोया है। तो ये मैं मेरे पास जो भी सब्जी अवेलेबल थी वो मैं डाल रही हूँ। और हम लोग बादाम की चटनी बनाएंगे, तो बादाम की चटनी के लिए मैंने लिया ये हरा धनिया, मैंने फ्रोज़न वाला लिया, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। नमक है, हरा धनिया है, लहसुन है, दो हरी मिर्च है और दो कली लहसुन है और नींबू का रस। तो इस तरह से हम लोग इसे ग्राइंड कर देंगे। मैं सब कुछ उसी में मिला रही हूँ और थोड़ा सा आधी कटोरी पानी डाल के मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी। देखिए ये ग्राइंड हो गया है, कितना बढ़िया चटनी बन के तैयार हो गया है। और चलिए तब हम लोग इडली बनाते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने पानी खोलने के लिए इसमें रख दिया है बड़े बर्तन में। और ये देखिए थोड़ी सी लगेगी आपको कि हार्ड हो गई है, तो बस थोड़ी सी इसमें पानी डालें और इसे अच्छे से मिला लें। और मैं यहाँ इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे स्पंजी बनाने के लिए। तो मैं आधी छोटी चम्मच इसमें इनो मिलाऊँगी। इनो तभी मिलाएं जब इसे स्टैंड में डालने जाएं बिल्कुल भी, पहले से ना मिलाए वरना ये हार्ड हो जाएगा। और इसे ऑयल से ग्रीस कर ले स्टैंड को, ताकि इडली आपकी चिपके ना बस। और एक एक स्पून इसमें डालते जाइए, अपने आप ही फैलते जाएगा। और ध्यान रखिए आपका पानी जब खोलने लगे तो इसे मीडियम पे करके और स्टैंड में लगा के उसमें डाल दे। और हाँ, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैं सारा फुल वहाँ मेंशन कर दूँगी। तो बस हो चुका है, मैं इस तीनों स्टैंड को एक साथ लगाऊंगी। और तब तक मेरा पानी भी खोल चुका है, तो देखिए खोलते हुए पानी में मैं इसे डाल दूँगी। और सिर्फ 15 मिनट के लिए इसे छोड़ना है। बहुत ही स्पंजी फुली फुली इडली बन के तैयार होगी आपकी। सिर्फ 15 मिनट इसे ढक के छोड़ दें मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए आप सांभर बना लेते हैं। तो सांभर के लिए मैंने ये कुछ सब्जियाँ लिया, आपके पास जो भी सब्जी आप ले सकते हैं। ये मैंने थोड़े मेथी दाने लिए हैं, थोड़े कड़ी पत्ते और सूखी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, और ये जीरा लिया है मैंने, जीरा का सीड्स। और ये सांभर मसाला मैंने एवरेस्ट का लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं पैन में दो बड़े चम्मच ऑयल डालूँगी और तड़का के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी आधी छोटी चम्मच हींग, मेथी का दाना आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच जीरा, और फिर ये तीन चार करी लीव्स और दो सूखे मिर्च मैं इसे मिलाऊंगी। ये जैसे ही अच्छे से तड़कने लगे फिर इसमें मैं जो अनियन काट के रखी थी हाफ अनियन चॉप वो मैं डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिलाऊंगी। जब देखिए कि अनियन का कलर चेंज होने लगा है, धीरे धीरे सुनहरा होने लगा है, तो इसमें धीरे धीरे करके जितनी भी आपके पास सब्जियाँ है वो उसे डाल दें। बस इसे अच्छे से मिलाएं और ये सारा
सब्जियाँ जब तक भूनेंगे हम लोग मीडियम से लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो बस इसे चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर पे, और 10 मिनट भूनने के बाद इसमें हल्का सा नमक डाल दें और इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें 5 मिनट के लिए, ताकि सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा गली हुई सब्जियाँ तो नहीं चाहिए सांभर के लिए, बस थोड़ी गल जाए उतने से ही अच्छा लगता है। तो इसे मिला दें अच्छे से, फिर थोड़ी देर के लिए ढक दें। फिर 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया तो देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो चुकी है सब्जी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कटा हुआ टमाटर, और टमाटर डाल के भी मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया तो देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। तो मैंने जो इमली भिगो के रखा था उसका पल्प मैंने निकाल लिया, और मैं इसके पानी को इसमें डाल दूंगी और इसे ढक के छोड़ दूंगी थोड़ी देर। देखिए तब तक 15 मिनट में मेरी इडली तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया फुली फुली सी स्पंजी इडली बनी है, इंस्टेंट इडली है बिल्कुल भी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसे घर में, देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है ये। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच। तो देखिए सारी सब्जियाँ गल चुकी, तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच और 2 चम्मच भर के मैंने सांभर मसाला डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिला दूंगी। इमली के पानी के साथ ये सब्जियां पक चुकी हैं बस, और दाल हो चुका था मेरा। तो देखिए गाढ़ी दाल बिल्कुल भी है, बट मैं आगे इसमें बताऊंगी। तो देखिए इसे मिला लें दाल के साथ पहले, और मैं इतने दाल में 1.5 ग्लास पानी का यूज़ कर रही हूँ। 1 ग्लास पहले मैं डालूंगी और उसे अच्छे से मिला लूंगी, फिर इसमें 1/2 ग्लास और डालूंगी अच्छे से मिला लूंगी, और इसे ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। चलिए एक और चटनी बनाते हैं। तब तक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, और उसमें मैंने डाला है चना का दाल 1 चम्मच, और मैंने डाला है 1 चम्मच मूंगफली का दाना। थोड़ा सा ये जैसे ही तड़कने लगे इसे भून ले, और इसमें फिर मैं डालूंगी इसमें 1/2 कटा हुआ अनियन, 2 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च, इनको भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। ये टमाटर और पीनट की चटनी है, इनको भी मैं अच्छे से मिला के फिर इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े कटे हुए टमाटर, ऐसे क्यूब्स काट ले टमाटर के और इसमें डाल दें, और इसे अच्छे से मिलाएं। बस 5 मिनट तक इसे मिलाएं अच्छे से टमाटर गलने तक। देखिए टमाटर हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया, तो मैं इसमें यूज़ करूंगी स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़े चम्मच जैगरी। आपके पास जैगरी पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और बस जैगरी तुरंत गल जाएगा, इसे 5 मिनट तक अच्छे से हिलाएं, और बस देखिए इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। तो थोड़ा लिक्विड ही रखें और इसे ग्राइंड कर ले ठंडा करके। तब तक देखिए सांभर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, गाढ़ी हो रही है सांभर धीरे धीरे। तो आप इसमें नमक पहले टेस्ट कर ले, मैंने सब्जी में भी नमक डाली दाल में भी डाली। अगर आपको लगता है और नमक चाहिए तो इस स्टेज पे आप थोड़ा और नमक मिला दें, और नमक के साथ सांभर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बस हो गया सांभर तैयार, और चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। मैंने डाला है ये राई और कड़ी पत्ता। जैसे ही राई और कड़ी पत्ता तड़कने लगे तो मैंने ग्राइंड करके उस चटनी को रखा टमाटर पीनट की, इसमें डाल दिया। तड़का लग के चटनी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कितनी जल्दी इडली सांभर चटनी 1 घंटे से भी कम समय में बनके तैयार है आपके और आपके परिवार के लिए। चटपटी तीखी मीठी चटनी इडली सांभर बहुत ही यम्मी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और बच्चों के लिए खास करके ये इडली बहुत ही हेल्दी होता है। तो कैसा लगा मेरा दोस्तों ये आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में ऐसी ही एक हेल्दी और इंस्टेंट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।